हिमाचल प्रदेश का ये एक स्थान है जहां पर आज भी दशहरा नहीं मनाया जाता। यहां पर ना रावण का पुतला जलता है और ना ही रामलीला का आयोजन होता है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर बैजनाथ मंदिर स्थित है उस मार्केट में एक भी सुनियार यानी ज्वेलर्स की दुकान भी नहीं है। आइए ले चलते हैं हम इस पूरे सफर पर, आपको बताते हैं कि ऐसा इस मंदिर के साथ क्या जुड़ा है कि ना यहां पर रावण जलता है और ना ही सुनियार की दुकान कोई है। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित बैजनाथ का ये मंदिर आज भी त्रेता युग की यादों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि तीनों लोकों पर अपना दबदबा रखने वाला रावण भी यहां से शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाया था, जिसकी वजह से बाद में यहीं पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। यहाँ तक कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर हवन में काट कर चढ़ा दिए थे। बाद में भगवान भोलेनाथ रावण की इस कठोर तपस्या से खुश हो गए और उसके सिर दोबारा दे दिए। इतना ही नहीं, भोलेनाथ ने रावण को असीम शक्तियां भी दी जिससे वह परम शक्तिशाली बन गया। लेकिन सबसे शक्तिशाली होने का वरदान मिलने के बाद भी रावण ने एक और इच्छा जताई। इच्छा थोड़ी अटपटी यानी अजीब सी थी, लेकिन भगवान शिव उसकी तप से इतना प्रसन्न थे कि रावण की वो इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। बता दें कि रावण ने इच्छा जताते हुए कहा था कि वो भोलेनाथ को अपने साथ लंका ले जाना चाहते हैं। भगवान शिव ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की और शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। मगर उन्होंने कहा कि वह जहां भी मंदिर बनवाएगा वहीं इस शिवलिंग को जमीन पर रखें। और फिर रावण भी कैलाश से लंका के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे लघुशंका जाना पड़ा। वह बैजनाथ में रुका और यहां भेड़े चरा रहे गडरिये को देखा। उसने ये शिवलिंग गडरिये को दे दी और खुद लघुशंका करने चला गया। लेकिन शिवलिंग भारी था, इसलिए गडरिये ने उसे थोड़ी देर के लिए जमीन पर ही रख दिया। थोड़ी देर बाद जब रावण वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को जमीन पर रखा पाया, जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन उठा नहीं पाया। काफी कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग जस से तस नहीं हुआ। फिर क्या, रावण शिव की महिमा को जान गया और वहीं पर मंदिर का निर्माण करवा दिया। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यां कुर्यात्। रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्वविजयी होने का तप किया। नौ बार शीश काटा, नौ बार शीश जुड़ गया, दशरा नर रावण यहीं पर हुए। जैसे सिर करता था जुड़ जाता है, ऐसे उसने नौ बार किया। दसवीं बार जब करने वाला था तो भगवान आशुतोष प्रकट हुए और उन्होंने कहा मांगो रावण क्या चाहिए। तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो रावण को एक विग्रह प्रकट करके यहाँ से दिया था, वो आपके बिहार में स्थापित है। उनका नाम है झारखंड देवगढ़ बैद्यनाथ, इनका नाम है चिताभूम बैद्यनाथ। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के केवल बैना क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। आज से 100 साल की हिस्ट्री बताती है कि तीन आदमियों ने संकल्प किया था, उसमें से दो बनिए थे, एक राजपूत था। उन्होंने तीनों ने एक साल एक ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे साल उसने कहा कि कुछ नहीं होता है, ये तो मृत्यु अपनी मोह से गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे ने किया और ऐसे तीसरे बार तीसरे ने किया तो तीनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी ने जोखिम नहीं उठाया, ना ही रावण का पुतला जाता है, ना ही रामलीला होती है, ना ही दशहरा मनाया जाता है। तो वहीं बैजनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक शिवलिंग और भी है, जहां के लिए कहा जाता है कि यहीं पर एक पैर पर खड़े होकर रावण ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। हम अब आ पहुंचे हैं बैजनाथ के उस मंदिर को, जिस मंदिर का संबंध लंकापति रावण के साथ जोड़ा जाता है। ये बैजनाथ मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बैजनाथ के चोवीन चौक से एक पगडंडी बैजनाथ और पपरोला के बीच में जाती है, जिसे पैदल जो लोग चलते हैं वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। इस रास्ते के बिल्कुल बगल में ये मंदिर है। पहले ये मंदिर काफी पुरानी हालत में था, अब इस मंदिर को कुछ सुधारा गया है। आइए मैं इस मंदिर के अंदर आपको लेके चलता हूँ। इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बिल्कुल बगल में वो एक निशान है, जिसे कहा जाता है कि लंकापति रावण के पांव का निशान है। ऐसी धारणा है यहाँ के लोगों की कि इस जो यहाँ पर इसी स्थान पर लंकापति रावण ने एक पांव में खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी और ये निशान तब का है। अभी हालांकि यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा दी गई है, लेकिन अगर आप मंदिर को देखेंगे तो ये मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ पर जो है काफी समय पहले यहाँ पे काफी साधु संत भी आसपास रहते थे, लेकिन अब ये एक वीरानगी भरा स्थान है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे सुधारा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का बैजनाथ से इतना कनेक्शन होने के बाद भी वहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां दशहरा कभी भी नहीं मनाया गया। दशकों पहले लोगों का कहना है कि यहां पर रावण दहन करते थे, पर जब भी रावण दहन किया गया वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी परिकल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहां पर
ना दशहरा मनाया जाता है, ना रामलीला होती है, ना रावण का पुतला जाता है। और ये अच्छी बात है और इसका हम समर्थन करते हैं कि रावण जी थे वो भगवान शिव शंकर के भक्त थे, तो इसका हम समर्थन करते हैं कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाए। इस जगह को लेकर ऐसा विश्वास भी है कि यहाँ जिसने भी रावण को जलाया उसकी मौत तय है, जिस कारण यहाँ कई सालों से रावण के पुतले को नहीं जलाया गया। दशहरा ना मनाने की परंपरा यहाँ कई दशकों से है, लेकिन 70 के दशक में अन्य स्थानों में रावण के पुतले को जलाने की परंपरा को देखते हुए यहाँ भी कुछ लोगों ने दशहरा मनाना शुरू कर दिया। इसके लिए स्थान चुना गया बैजनाथ मंदिर के ठीक सामने का एक खुला मैदान। परंपरा शुरू हुई, लेकिन उसके परिणाम घातक होने लगे। जिसने पहले दशहरे पर रावण को आग लगाई वो अगले दशहरे तक जीवित नहीं था। ऐसा एक बार नहीं, 2 से 3 बार हुआ। इस उत्सव में भाग लेने वाले लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर सबका ध्यान इस तरफ गया कि रावण तो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। कोई देव अपने सामने भला अपने भक्त को जलते हुए कैसे देख सकता है? फिर क्या था, ये परंपरा यहाँ बंद हो गई। आज भी एक कस्बा दशहरे के दिन शांत होता है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर कोई भी ज्वेलरी शॉप नहीं है। जिसने भी बैजनाथ में सुनार का काम शुरू किया तो उसका नुकसान होने लगा या फिर किसी न किसी तरह वो दुकान ही नष्ट हो जाती थी। बैजनाथ में रावण के पुतले का दहन क्यों नहीं किया जाता, बैजनाथ में क्यों नहीं सोने चांदी का व्यापार चल पाता है, इन दोनों ही बातों के पीछे अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां हैं। ऐतिहासिक बात क्या है ये अभी तक शायद किसी को मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बातों का संबंध बैजनाथ शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये वही मंदिर है जो 1905 के भूकंप में भी बच गया था, जब जिला कांगड़ा के अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो गए थे। बैजनाथ से पंजाब केसरी टीवी के लिए मुनीश दीक्षित की रिपोर्ट।